नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है, इसका आज हम पॉलिटिकल सेक्शन डिस्कस करेंगे। काफ़ी टाइम से हमने पॉलिटिकल सेक्शन डिस्कस नहीं किया है। बाकी सेक्शन तो हम डिस्कस करते रहते हैं, परंतु पॉलिटिकल सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन जो है रिपीट कर कर पूछे जाते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज सेटअप बाय द, तो सुप्रीम कोर्ट जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय था, उसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1773 के एक्ट के तहत। अभी सुप्रीम कोर्ट न्यूज़ में भी था, मैं बताऊंगा कि क्यों न्यूज़ में था। उससे पहले आप ये जानिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? अगर पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब की गई थी, ये इसकी स्थापना की गई थी 1950 में, 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। न्यूज़ में ये इसलिए था क्योंकि 9 नए जज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के शपथ लेंगे। तो 9 ऐसे जज होंगे जो अब शपथ लेंगे, तो इसके साथ सुप्रीम कोर्ट की जजेस की स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ी बढ़ जाएगी। अगर बात करें कि सबसे पहली महिला जज कौन थी सुप्रीम कोर्ट की, तो वो थी फतिमा बीबी। फतिमा बीबी का नाम आप याद रखिए, ये 1989 में जो था वो जज बनी थी। और उसी तरह अगर बात करें कि प्रेजेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस कौन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो प्रेजेंट टाइम में चीफ जस्टिस हैं वो कौन है, एन वी रमन इनका नाम याद रखिएगा। इनका नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि हिमाचल प्रदेश जो हाई कोर्ट है उसकी पहली महिला चीफ जस्टिस कौन थी और कब बनी थी। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, वेयर वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट बॉर्न, तो सबसे पहली बार लिखित संविधान का विचार कहाँ पर उद्भव हुआ था। ये जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट है, ये सबसे पहली बार राइज हुआ था ऑप्शन ए यूएसए में। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। अब देखिए, जब इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन बना था इंडिया का, तो उस टाइम कुछ चीज़ें हमने बाहर से फॉलो जो था वो बोरो की थी। तो यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वहाँ से हमने क्या क्या जो बोरो किया था, एक तो हमने वहाँ से फंडामेंटल राइट बोरो किए थे, जुडिशियल रिव्यू जो होता है वो भी हमने वहीं से अडॉप्ट किया था, प्रेजिडेंट को जो इम्पीच किया जाता है तो प्रेजिडेंट का जो इम्पीचमेंट है वो भी हमने वहीं से जो था वो अडॉप्ट किया था यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। ये तो हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से जो था वो अडॉप्ट किए थे, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और उसी तरह बात करें कि फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहाँ से अडॉप्ट की थी, तो वो हमने यूएसएसआर से अडॉप्ट की थी। तो ये बेसिक बेसिक आप याद रखिए। 81 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीड्स एग्जामिन द फंक्शन ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लेख निचली अदालतों की कार्यप्रणाली की जाँच करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही आंसर है, सेरिटोरी। ये रीड जो है एग्जामिन करती है फंक्शनिंग ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट। अगर रिट की बात करें तो रिट कितने प्रकार की हैं, 5 प्रकार की रिट्स जो होती हैं। अगर बात करें कि कौन से आर्टिकल के तहत रिट्स के बारे में आता है, तो आर्टिकल 32 बात करता है रिट्स के बारे में। और अगर बात करें कि ये 5 रिट्स कौन कौन सी हैं, एक तो हैबियस कॉर्पस है, मैंडमस है, प्रोविजन है, सेरिटोरी है, और 5वें नंबर पर क्यू वारंटो रिट आती है। तो ये 5 रिट्स भी आपको याद रखनी है। कई बार एलाइड वगैरह के एग्जाम में पूछ लिया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिट, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, यहाँ पर पूछा गया है, पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज लेड डाउन अंडर, तो ये जो भारत का पंचायती राज प्रणाली है ये किस में उल्लेखित है। तो पंचायती राज सिस्टम जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में उल्लेखित है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आर्टिकल 40 जो है वो किसकी बात करता है, ये पंचायती राज सिस्टम के बारे में थोड़ी सी बात करता है। आर्टिकल 40 में कहा गया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये आर्टिकल 40 में कहा गया है। अब यहाँ से जो है, एक तो पंचायती राज के बारे में याद रखिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो पंचायतों के साथ डील करता है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट पंचायतों के साथ डील करता है वो है पंचायत, वो है पार्ट 9, 1X इसको कहते हैं। ये पार्ट जो है वो डील करता है पंचायतों के साथ। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कौन सा शेड्यूल है जो पंचायतों की बात करता है, तो शेड्यूल 11 जो है वो पंचायतों की बात करता है। और कौन सी अमेंडमेंट है जो पंचायतों के बारे में बात करती है, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो पंचायतों के बारे में बात करती है। तो ये पंचायती राज से रिलेटेड कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन हैं, इनको याद रखिए। अगला क्वेश्चन 83 है, यहाँ पर पूछा गया है, द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, ये क्वेश्चन अभी किसी एग्जाम में पूछा गया था, शायद ट्रैफिक इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा गया था या फिर किसी और एग्जाम में पूछा गया था। 83 में द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है वो सही आंसर है, एकल अंतरणीय वोट द्वारा जो है वो प्रेसिडेंट का चुनाव किया जाता है। अगर प्रेसिडेंट की बात करें, देखिए इसको पहली बात तो आप याद रखिए कि ये डायरेक्टली नहीं चुने जाते हैं, इसको कौन चुनता है। प्रेसिडेंट को चुनने के लिए जो है वो इलेक्टेड मेंबर जो दोनों हाउसेज के होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के, वो होते हैं इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज के,
जो स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं उनके होते हैं, और इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, जो जैसे कि यूनियन टेरिटरी हो गया दिल्ली और पुडुचेरी, इनके भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर जो हैं यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि कौन कौन यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। प्रेजिडेंस के पास जो है कुछ पावर्स भी होते हैं, जैसे कि ऑर्डिनेंस की पावर होती है इसके पास, तो ये कौन से आर्टिकल के तहत आती है, ये आर्टिकल 123 के तहत आती है। जब प्रेजिडेंट नियुक्त किए जाते हैं इनकी शपथ किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करवाई जाती है, इनकी ओथ जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो कंडक्ट करवाई जाती है। प्रेसिडेंट के लिए इन्होंने कुछ क्राइटेरिया भी रखा है कि इसकी 35 ईयर्स एज होनी चाहिए पहली बात, दूसरी बात कि ये इतना एलिजिबल होना चाहिए कि प्रेसिडेंट जो है वो लोकसभा के मेंबर बन सके, और तीसरी बात रखी गई है कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है इसके द्वारा होल्ड ना किया गया हो। तो ये आप याद रखिए, सबसे पहले प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे नंबर पर भी राजेंद्र प्रसाद ही बने, और तीसरे नंबर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने थे। ये पहले तीन रखिए, और प्रेजेंटली कौन है वो आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज़ कॉल्ड द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स, तो जनता के धन का संरक्षक किसे कहा जाता है, गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स कहा जाता है कैग को। कैग यानी कि ऑप्शन डी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है वो सही आंसर है। अब कैग को कहा जाता है गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स। कैग के बारे में कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे कि कैग का जब ऑफिस ऑफ टेन्योर होता है वो कितना होता है, ये होता है 6 ईयर और 65 ईयर विच एवर इज अर्ली, यानी कि या तो 6 साल या तो 65 ईयर्स, इनमें से जो भी पहले होगा वो इसका कार्यकाल माना जाएगा कितने सालों के लिए ये रहेगा। कुछ आर्टिकल्स भी जो हैं वो कैग के साथ डील करते हैं, जैसे कि आर्टिकल 148 हो गया, 149 हो गया, 150 हो गया, 151 हो गया, ये अलग अलग आर्टिकल हैं जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के साथ डील करते हैं। अब जो मेन आर्टिकल पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल में आता है, तो ये आर्टिकल 148 में आता है। और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है, प्रेजिडेंट इनको अपॉइंट करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पूछा गया है द क्योरम ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा इज, तो राज्यसभा और लोकसभा की गणपूर्ति कितनी है। राज्यसभा और लोकसभा का क्योरम की बात करें तो ये क्वेश्चन भी अभी किसी एग्जाम में रिसेंटली पूछा गया था, ये होता है 1/10 ऑफ टोटल मेंबरशिप, ऑप्शन बी डी जो है वो सही आंसर होगा। 1/10 का मतलब क्या हुआ, अब अगर 250 के सदस्यों की संख्या है तो 250 में से 1/10 यानी कि 25 सदस्य जो है वो हाउस में होने चाहिए तभी जो है वो क्योरम माना जाएगा कि पूरा क्योरम जो है इसके पास है और इसका कार्य जो है वो चल सकता है। ये याद रखिए कि क्योरम कितने सदस्यों का होता है, 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स होता है। अगले क्वेश्चन में ये पूछते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में बी लिंक्ड विद जनहित वाद में जो जोड़ा जाता है किसके साथ इसको जोड़ा जा सकता है। पहले तो PIL का पूरा नाम याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो ये है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब इसको जुडिशियल एक्टिविज्म के साथ जोड़ा जाता है, ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो ये जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है ये हमने कहाँ से बोरो की है, ये हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की है, अमेरिका से बोरो की गई है ये चीज़, बस यहाँ से आप इतना ही याद रखिए। 88 में देखिए क्या पूछा गया है, द मोबाइल कोर्ट इन इंडिया इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ, तो भारत में जो मोबाइल कोर्ट का कॉन्सेप्ट था वो किसके दिमाग में आया था, ये आया था APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। APJ अब्दुल कलाम के माइंड का ये कॉन्सेप्ट है मोबाइल कोर्ट। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा। अगर आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बात करेंगे तो इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर जो है एक आइलैंड का नाम भी रखा गया है, ये आइलैंड है व्हीलर आइलैंड। व्हीलर आइलैंड का नाम जो है वो कलाम आइलैंड के नाम पर रखा गया है APJ के नाम पर, और ये व्हीलर आइलैंड कहाँ पर स्थित है, तो ये उड़ीसा में पड़ता है, ये आप याद रखिए। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न अवार्ड भी दिया जा चुका है, इनको 2007 में ये भारत रत्न अवार्ड जो था वो दिया गया था। इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी मृत्यु जो था वो 2015 में हुई थी। और ये प्रेसिडेंट कब बने थे, तो ये प्रेसिडेंट 2002 में बने थे और 2002 से लेकर 2007 तक जो था ये प्रेसिडेंट रहे थे इंडिया के। तो पहले जो जनरल इलेक्शन हुए थे वो 1951-52 में हुए थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम स्क्रैप मानेंगे क्योंकि 51 भी ऑप्शन में दिया गया है, 52 भी ऑप्शन में दिया गया है। 90 क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर पूछा गया है विच इज़ द ओनली स्टेट इन इंडिया टू हैव द कॉमन सिविल कोड, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी गोवा। भारत का एकलौता राज्य जहाँ पर सामान्य नागरिक संहिता है वो है गोवा, गोवा में कॉमन सिविल कोड है, ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट है। और कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गोवा को जो था वो किस वर्ष इंडिया का एक स्टेट डिक्लेयर किया गया था, तो गोवा जो था
वो 1987 में जो था वो इंडियन स्टेट बना था, 1987 में, याद रखिए। और कौन से नंबर का ये स्टेट बना था, तो 25th नंबर का ये स्टेट बना था, 25th नंबर का ये स्टेट बना था। अगला क्वेश्चन है 91 क्वेश्चन, इन इंडिया प्लैंड इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन, तो भारत में जो प्लैंड इकोनॉमी है वो किसके ऊपर बेस्ड है, ये बेस्ड है मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम के ऊपर ये बेस्ड है, और यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते भी नहीं हैं। आगे ये क्वेश्चन नंबर 77 में पूछते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इनमें से कौन सी एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी नीति आयोग। नीति आयोग जो है एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अच्छा, नीति आयोग से पहले इसका नाम प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, तो प्लानिंग कमीशन से इसका नाम बदल कर कब नीति आयोग रखा गया ये आपको पता होना चाहिए। तो 2015, 1 जनवरी 2015 को जो था वो प्लानिंग कमीशन का नाम बदल कर नीति आयोग जो था वो रख दिया गया था। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और 2015, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। और अगर आपसे पूछ जाए कि ये जो फाइनेंस कमीशन है ये किस तरह की बॉडी है, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इलेक्शन कमीशन कौन सी बॉडी है, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो यूपीएससी के बारे में पूछ लिया जाए तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और नीति आयोग आ गया आपका एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछते हैं, हाउ मैनी टाइम्स फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड सो फॉर, तो भारत में अब तक कितनी बार जो है वो वित्तीय आपातकाल घोषित किया गया है, भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक एक बार भी नहीं लगी है, ऑप्शन डी नेवर जो है वो सही आंसर होगा। अभी भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, परंतु फाइनेंस के बारे में क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं, कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो फाइनेंस कमीशन के साथ डील करता है, तो आर्टिकल 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बात करता है फाइनेंस कमीशन की। और फाइनेंस कमीशन जो है वो किस तरह की बॉडी है, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और ये जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है ये कौन से आर्टिकल के तहत आती है। अब फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें तो ये आर्टिकल 360 के तहत आती है, आर्टिकल 360 के तहत आती है। इमरजेंसी जो है वो तीन प्रकार की होती हैं, तीन प्रकार की कौन कौन सी इमरजेंसीज हैं और कौन कौन से आर्टिकल के तहत आती हैं, तो एक तो आती है नेशनल इमरजेंसी, दूसरी आती है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, और तीसरी आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। जो नेशनल इमरजेंसी है ये आर्टिकल 352 के तहत आती है, और अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी की तो ये आर्टिकल 356 के तहत आती है, और बात करें आर्टिकल फाइनेंशियल इमरजेंसी की तो फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो आर्टिकल 360 के तहत आती है। तो इन तीनों इमरजेंसीज के बारे में आप याद रखिए कि ये कौन कौन से आर्टिकल के तहत जो हैं वो आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछते हैं, अ मनी बिल पास्ड बाय लोकसभा हैज़ टू बी पास्ड बाय राज्यसभा विद इन, देखिए लोकसभा द्वारा पारित मनी बिल जो है वो राज्यसभा के द्वारा कितने दिनों के बीच में पास करना पड़ता है, तो राज्यसभा को जो है वो 14 दिनों का टाइम दिया जाता है, 14 डेज, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। 14 दिनों के अंदर अंदर जो है वो राज्यसभा को इस बिल के ऊपर डिसीजन लेना होता है, अदरवाइज़ ये खुद बिल जो है वो खुद ही लोकसभा के पास चला जाता है, तो मनी बिल में राज्यसभा का कुछ इतना ज़्यादा रोल नहीं होता है, मनी बिल में लोकसभा का ज़्यादा दबदबा रहता है। और बात करें कि मनी बिल कौन से आर्टिकल से डील करता है, तो आर्टिकल 110 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मनी बिल के साथ बात करता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, द राज्यसभा कैन हैव मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ, अभी हम बात कर रहे थे कोरम की, तो राज्यसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है वो होती है ऑप्शन सी 250, 250 इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है। और अगर बात करें कि कोरम कितना हो गया इसका, तो 25 इसका कोरम आ गया, कितना 1/10 होता है ना, तो 10th का अगर करेंगे आप तो ये 25 आ जाएगा। और अगर पूछा जाए कि राज्यसभा के सदस्यों की टर्म कितनी होती है, तो राज्यसभा के सदस्य जो हैं वो 6 साल के लिए चुने जाते हैं। हिमाचल से कितनी राज्यसभा की सीट्स हैं ये कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए, और टेलीग्राम इंस्टाग्राम फेसबुक पर अभी तक भी अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम इंस्टाग्राम फेसबुक इन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, इन सभी पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये है आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।